है तो जहान है जा के अर्श की अकल दंग है। अर्श की अकल अब खोलो तो अर्श की अकल दंग है। चरख में आसमान है हाय हाय वाह वाह वाह। अर्श की अकल दंग है। चरख कुछ न हो। क्या बात है शब्बीर भाई के टाइम में बजा था वैसा बजा दो बहुत अच्छा बज रहा है। कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। कि वो जो इस्लामपुर में पढ़ रहा हूँ सुनिएगा। पेशे नजर वो नौबहार सजदे को दिल है बेकरार। पेशे नजर वो नौबहार सजदे को दिल है
है बेकरार पेशे नजर पेशे नजर वो नौबहार सजदे को दिल रोकिए सरे को रोकिए हाँ ये है मेरे हाल है रोकिए नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत हाय हाय हाँ ये ही इम्तिहान है रोकिए सर को रोकिए हाँ ये ही इम्तिहान है। कोई नबी का दीवाना मजमे से नारा लगा दो यार, कोई भी एक नबी माशाल्लाह। खुशकिस्मती की बात है कि नबी के नात पढ़ने वालों को उन्होंने चुना है, सुभान अल्लाह है कि नहीं। ये मामून रशीद नईमी आप ही के दया का शहजादा आज पूरा हिंदुस्तान जान रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ नबी की नात की बरकत है, सुभान अल्लाह। अब एक और शेर, इजाजत है आप लोगों की, सारे लोगों की इजाजत है, जरा हाथों को उठाकर बताएं कितने लोग सुनना चाहते हैं। बाबू और थोड़ा सा बढ़ा माहौल बनाइए, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि अर्शे पिता जछेड़ छा फरिश पे तुर अच्छा पढ़ रहा हूँ और आप हजरात भी बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सुनिएगा ये शेर भी सुनकर बता दें। कि अर्शे पिता जछेर छार फर्श पे तुर पधो मधार के अर्शे परिशे पे तुरे पाधो धाम परिशे पे दाचे रे छार परिशे पे तुरे पाधो धाम ताने जी धरे लगाइए ताने जी धरे तान है काले जिधर नारे तकबीर आगे से लेके पीछे तक हाथ रहे कह रहे नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। मक्ता पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे यकीन है अपनी जगह कोई बैठा नहीं रहेगा, इतना बड़ा मक्ता सरकार आला हजरत ने क्या लिखा। कि खौफ न रखे खौफ न रखे खौफ न रखे खौफ न रखे रजा जरा नकीबे आजम हिंदुस्तान। खौफ न रखे रजा जरा तू तो है अब न रखे खौफ न रखे
इशारे की जबान आप नहीं समझ पाए। चाय रख लीजिए भाईजान, एक तो चाय वाला हिंदुस्तान को कितना पेड़ा है, कितना पेड़ा है बताइए। आदमी आदमी भी कमाल करता है, चाय पीकर खिलाल करता है, जिसको आता नहीं बिस्मिल्ला वही मुर्गा हलाल करता। बिस्मिल्ला भी आता है, मैं तो बहुत सारा कलाम सोच कर आया था लेकिन टाइम ही नहीं है, एक कलाम मैं पढ़ दे रहा हूँ। देखिए हजरात, एक आशिक का कलाम पढ़ा गया, इशारे की जबान आप ना समझ सके। सरकारे आला हजरत उस आशिक का नाम है जिनसे किसी ने पूछा कि ये बताएं कि अगर रसूल पाक के दामन में मिट्टियां लग जाएं तो हम कह सकते हैं सरकार का दामन गंदा हो गया? तो आला हजरत ने फरमाया हरगिज नहीं, बल्कि ये कहो कि दामन सरकार में मिट्टियों ने पनाह ली है। ये इश्क है, ऐसे आशिक का कलाम सुनने के बाद मचलना चाहिए, मचलना चाहिए। जरा मोहब्बत से बोले आप सुभान अल्लाह, और जिंदगी के साथ बोले या रसूल अल्लाह। क्या जुमला है, सुभान अल्लाह। आप उसी रंग में सुने इंशाअल्लाहुल अजीज। देखिए एक खूबी है, जनाबे शहबाज रजा नूरी उस शायर का नाम है, जब ये अपने रंग में आते हैं तो बड़े बड़े शोरा स्टेज छोड़ देते हैं, लेकिन जब नदीम रजा फैजी अपने रंग में आते हैं तो शायरों को लगता है कि हम दुनिया छोड़ दें। अभी वो भी रंग आपके सामने आएगा, आप मुतमईन रहें। माशाल्लाह, ऐसा मेरे भाई नदीम रजा फैजी तो अच्छा पढ़ते ही हैं, कोई शक नहीं है, मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन अभी ये जिस वक्त, ये वक्त ऐसा है जो अभी उनको मुझसे मोहब्बत करनी पड़ेगी, लेकिन माइक पर अभी मैं हूँ, है कि नहीं? माइक पर जो हो उससे मोहब्बत करिए, है कि नहीं? अब पढ़ता हूँ, लेकिन लगना चाहिए कि इस्लामपुर में दादा कंजूसी ना करना वरना हाथ कटवा दूंगा, है कि नहीं? शादी की महफिल में आए हो, सुने मुझे रंग चाहिए, इन्होंने कहा है रंग की बात कर दी है, तो रंग एक तरफा नहीं होता है, दोनों तरफ से रंग होना चाहिए, है कि नहीं? अब इतनी ये